हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेशा क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो एक डीआईवाई वीडियो होने वाला है। और डीआईवाई क्या है ये आप देख रहे होंगे मेरे बराबर में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप में से दो तीन फ्रेंड ने मुझे बोला था और काफी टाइम पहले से बोल रहे थे कि मैं कोई फोटो फ्रेम का डीआईवाई लेकर के आऊं, लेकिन किसी वजह से मैं नहीं ले आ पा रही थी। तो आज फाइनली मैंने उनकी रिक्वेस्ट फुलफिल की है। नाम मैं भूल गई कि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आज मैं डीआईवाई लेकर के आई हूँ फोटो फ्रेम का। और फोटो फ्रेम भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का फोटो फ्रेम लेकर के आई हूँ, जो कि नॉर्मली आपने देखा होगा अगर, तो उससे थोड़ा डिफरेंट है। और क्या है ये देखिए, ये खुद ही स्टैंड पर खड़ा है और ये डोर वाला है। इस तरीके से ओपन होने के बाद में ये इस तरीके से लग रहा है, और अगर आप इसको बंद करेंगे तो ये है। तो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और देख लेते हैं मैंने कैसे बना। मैंने लिए हैं ये कार्डबोर्ड के दो टुकड़े, जो कि अगर आप स्केल से मेजर करेंगे तो 15 सेंटीमीटर ये इसकी चौड़ाई है और 20 सेंटीमीटर यहाँ से इसकी लंबाई है। और उसके बाद में 15 बाई 20 का मैंने एक इस टाइप से स्क्वायर कार्डबोर्ड का टुकड़ा कट कर लिया है, और इसके ऊपर से हटकी शेप में मैंने अपनी हिसाब से इसको छोड़ दिया है। अगर मैं चेक करूंगी तो ये 5 सेंटीमीटर और है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये 15 है और ये 25 है, और इसको मैंने ट्रायंगल में काट लिया है। इस टाइप से मैंने ये दो पीसेस कट कर लिए हैं, एक ये है और एक ये है। और अब मैंने क्या किया है, एक पीस तो ये सेम ऐसा ही है और दूसरे पीस में ये ऊपर की लाइन तो थी ही, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद में मैंने 1.5 इंच इधर से छोड़ा है, 1.5 इंच इधर से छोड़ा है, 1.5 इंच इधर से छोड़ा है और 1.5 इंच इधर से छोड़ा है। उसके बाद में मैंने एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। ये इस चीज़ को आप ध्यान से समझें, तभी आप इसको ठीक से मेजर करके ठीक से कट कर पाएंगे। तो ये 15 सेंटीमीटर का तो चौड़ाई थी और ये 25 सेंटीमीटर लंबाई थी इसकी, तो जिसमें हमने 5 सेंटीमीटर ये ऊपर हट शेप बनाने के लिए हमने छोड़ दिया है। उसके बाद में 1.5 1.5 इंच हमने चार तरफ से छोड़ दिया है। तो उसके बाद में ये छोड़ने के बाद में मैंने एक स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, और स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद में ये टोटल मेरे पास 12 सेंटीमीटर का स्पेस बचा था, तो 12 सेंटीमीटर को भी मैंने 6 6 सेंटीमीटर के दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो 6 सेंटीमीटर का ये हो गया है और 6 सेंटीमीटर का ये हो गया है। तो इसमें मैंने फिर ये 1.5 इंच छोड़ा है और यहाँ से 1 इंच छोड़ा है। तो इस तरीके से दो स्क्वायर और मैंने इसको ड्रॉ कर लिए हैं। तो ड्रॉ करने के बाद में अभी कुछ इस तरीके की शेप आ रही है, तो इस चीज़ को आप देख लें एक बारी ध्यान से। और जब ये शेप आ जाएगी तो मुझे क्या करना है, यहाँ से, सिर्फ यहाँ से इसको, ये पहला वाला स्क्वायर जो है वो मुझे कट कर लेना है। तो कट करने के लिए आप सीजर का हेल्प ले सकते हैं, आप इस तरीके का स्क्रैपर का हेल्प ले सकते हैं। तो पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ क्योंकि मेरा स्क्रैपर थोड़ा कटा हुआ। सो इसको मैंने यहाँ से चारों तरफ से कट कर लिया है, और कट करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, ये आ गया है, ये इस टाइप से बना है। और इसको मैं यहाँ पर रख दूंगी इस तरीके से, ये बिल्कुल अलग रख दूंगी। और इसके बाद में अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पोर्शन बचा है आप देखेंगे, तो इसमें से भी पहले मैं इस वाले पोर्शन को दो पीसेस में कट कर लेती हूँ। सो इसको भी मैंने दो पीसेस में कट कर लिया है, ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, ये अंदर वाले पोर्शन पर भी इस तरीके से स्क्रैपर की हेल्प से एक दोनों पोर्शन को कट कर लूंगी। तो पहले मैं कट कर लूं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। स्क्रैपर की हेल्प से ये पोर्शन निकाल दिया है और कट कर दिया है, और कट होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से मुझे पोर्शन मिला है, और इसको मैं अलग कर दूंगी। फेंकना नहीं है इनको, यूज में आ जाएंगे। तो अभी मेरे पास कुछ इस तरीके से एक पीस ये है, एक पीस ये है। और अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों पीस को एक के ऊपर एक रखूंगी, और इस जो पोर्शन है इसको भी मैं यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दूंगी। और इसके बाद में ये वाला पोर्शन भी मैं
यहां पर सेट कर दूंगी। आप चाहें तो इस टाइप से भी कर सकते हैं इधर को, और चाहें तो इधर को भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो इनको दोनों को मैं एक बराबर रखते हुए यहां पर और सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर लूंगी। इस पोर्शन को और इस ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहां पर दो जगह मैंने सेलो टेप लगाया है और ये इस टाइप का डोर बन गया है अब ओपनेबल। और इसको करने के बाद में अब मैं क्या कर रही हूँ, चाहे तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल इधर से ही यूज़ करने वाली हूँ। ये हो जाने के बाद में मैं क्या कर रही हूँ, ये वाला जो कार्डबोर्ड का पीस था उससे भी मैंने दो पीसेस कट किए हैं, डेढ़ डेढ़ इंच चौड़े और इसके नाप के। मुझे इस तरीके से इनको स्टिक करना है यहाँ पर, तो चलिए स्टिक कर लेते हैं, स्टिक करना शुरू करते हैं। और स्टिक करने के लिए मैं ले रही हूँ फेबीबॉन्ड। आप चाहे तो हॉट ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, फेबी क्विक का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से मैं फेबीबॉन्ड लगाऊंगी यहाँ पर, और लगाने के बाद में लगभग 2 से 3 मिनट उसको हमें वैसे ही छोड़ना पड़ेगा जिससे कि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब इसको मैं यहां पर रख देती हूं। तो एक के ऊपर एक मैंने इस तरीके से ये दोनों पीस को स्टिक कर लिया है। और इसके बाद में ये वाला पोर्शन जो है इसको भी मैं यहां पर स्टिक कर रही हूं, और स्टिक करने के लिए मैं फैबी बॉन्ड ले रही हूं। ये मैंने यहाँ पर और यहाँ पर स्टिक कर दिया है। और इसके बाद में मैंने ली है एम सील, क्योंकि मेरे पास एम सील पड़ी हुई थी इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। यह है एम सील, इसमें दो तरह का ग्लू सा आता है। इन दोनों एम सील को इस तरीके से अच्छे से मिक्स करने के बाद में इस तरीके की एक ये गोली बन गई है, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। अगर आपके पास क्ले है तो आप क्ले यूज़ कर लीजिए, बच्चों वाली क्ले है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एमसील से डिज़ाइन बनाने की कोशिश की थी बट वो इतना सुंदर लगा नहीं, तो मैंने क्या किया, एमसील से एक छोटा सा फ्लावर यहाँ पर ऊपर बना दिया है और ये मैंने लगाया है फेबीबॉन्ड। फेबीबॉन्ड की हेल्प से आप देख रहे होंगे ये टूथपिक, नॉर्मल सी जो टूथपिक होती हैं वो इसके डोर के दोनों साइड में लगा दी हैं। और इसके ऊपर मैं हल्की हल्की न्यूज़पेपर की पट्टी चिपका दूंगी जिससे कि ये थोड़ी सी मजबूत हो जाए, और इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। सो ये मेरा कंप्लीट हो गया है और आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर यहाँ पर भी दरवाजे के लिए मैंने यहाँ पर भी एमसील लगा दी थी थोड़े से फेबीबॉन्ड की हेल्प से। और उसके बाद में मैंने क्या किया है, जो टूथपिक होती हैं उसको मैंने लगा करके यहाँ पर पेपर लगा दिया है और अब ये इस टाइप का डोर जैसा बन गया है। तो अभी ये तो मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी इसमें पीछे स्टैंड लगाना बाकी है। तो स्टैंड लगाने के लिए मैंने एक ये स्ट्रिप ली है और स्ट्रिप को यहाँ पर रखते हुए इसको मैं ओपन कर लूँगी जिससे कि ये टूटे ना, और इस स्ट्रिप को इस टाइप से लगाते हुए हाथ से पकड़ूंगी और इस तरीके से यहाँ पर स्टिक करूँगी। आप पेपर टेप की हेल्प भी ले सकते हैं और एक इस साइड से स्टिक करूँगी जिससे कि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और सेलो टेप या पेपर टेप जो भी ले रहे हैं उसको थोड़ा अच्छे से लगाएं, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगाएं और अच्छे से स्टिक करना है। तो ये हो गया है और इसको आप इस तरीके से स्टैंड पर खड़े भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी इस तरीके से बन करके लग रहा है और अब मैं करूँगी इसमें पेंट। और पेंट करने के लिए मैंने लिया है ये वाइट एक्रेलिक कलर, और आपको जो भी कलर बनाना है आप उसके हिसाब से, उसमें कलर वाइट करना है तो वाइट रख सकते हैं और कोई और कलर करना है तो वो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा फोटो फ्रेम अब रेडी हो चुका है। मैंने इस फ्लावर में रेड कलर से पेंट किया है और यहाँ पर मैंने पिंक कलर से पेंट किया है। और ओपन होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से रख सकते हैं आप,
और अगर आपने बंद करना है तो इसको दोनों जो डोर्स हैं उसको बंद कर सकते हैं मिला करके, और ये बंद हो जाएगा। और ओपन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पीछे मैंने इसके स्टैंड भी बनाया हुआ है इसको खड़ा करने के लिए, वो मैंने आपको दिखाया ही था। बैक साइड से भी मैंने पेंट कर दिया है अच्छे से। तो कैसा लगा आपको ये DIY मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।